हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि भाई हम जिम का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जिम चले जाएं। और उनमें से कुछ लोग तो 12 से लेकर 20 की एज के हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, और उनका बस यही सवाल होता है कि भाई कुछ ऐसी वर्कआउट्स बता दो जो वो घर पर ही रहकर करके अपनी बॉडी को फिट रख सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वर्कआउट जो कि 12 से लेकर 20 की एज के लिए हैं, वो अपने घर पर ही रहकर इन वर्कआउट को करके एक आदत डाल सकते हैं फिट रहने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन बहुत से लोग उनसे कहते हैं कि जल्दी जिम ज्वाइन करने से या वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में जो मैं वर्कआउट प्लान बताऊंगा आपको, उससे हाइट नहीं रुकेगी, आप इसे बेझिझक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और ये वर्कआउट प्लान पूरे वीक का होने वाला है और इसमें एक दिन का हम रेस्ट रखेंगे। तो ये है पूरे वीक का वर्कआउट प्लान। मंडे को करेंगे चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को बाइसेप एंड कार्डियो, थर्सडे को ट्राइसेप एंड एब्स, फ्राइडे को शोल्डर, सैटरडे को लेग्स और संडे को करेंगे हम रेस्ट। और हाँ, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, वर्कआउट करने से पहले आपको 5 से 10 मिनट का वार्म अप लेना है जिसमें आप जंपिंग जैप और स्ट्रेचिंग कर सकते हो। नंबर 2, हर एक्सरसाइज में आपको 4 सेट लेने हैं। एक सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है और हर सेट के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। नंबर 3, वर्कआउट के बीच बीच में आपको सिप सिप करके पानी लेना है और वर्कआउट के बाद आपको 5 से 6 एग वाइट लेने हैं। अगर आप एग वाइट नहीं ले सकते तो आप बनाना शेक बनाकर ले सकते हैं। नंबर 4, इन वर्कआउट्स में डंबल्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास डंबल्स नहीं है तो 2 ईंट से भी काम हो जाएगा। और अगर आप मार्केट से डंबल्स ले सकते हो तो आप इन डंबलों को ले लें, 5 kg, 7.5 kg और 10 kg, इन सब के 2-2 pairs लेने हैं। और अगर आप डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपना वेट धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो 2 ईंट से एक्सरसाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट, जिसमें करेंगे मंडे को चेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 1, डिक्लाइन पुशअप्स। ये एक्सरसाइज हमारी अपर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखना है और पुशअप्स लगानी है, और हाँ, हाथों को शोल्डर के जितने रखना है, और इसके आपको 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, नॉर्मल पुशअप्स। ये एक्सरसाइज हमारे मिडिल चेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको अपनी कमर सीधी रखनी है और अपने हाथों को शोल्डर के जितने रखना है और अपने हाथों को चेस्ट के बराबर में रखना है, और इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको इसमें लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, इनक्लाइन चेस्ट फ्लाई। अब इस एक्सरसाइज के लिए आपको बेंच की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास बेंच नहीं है तो आपको सोफा या बेड की सपोर्ट को लेकर इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी चेस्ट की सेंटर लाइन बनती है, और इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है और 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 4, इंक्लाइन पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को हो सके तो आप दोनों हाथों को चेयर पर रखकर भी कर सकते हैं या फिर सोफे पर हाथ रखकर कर सकते हैं। ये आपकी लोअर चेस्ट के लिए अच्छी होती है। इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 5, पैरेलल बार डिप। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बस इसको ही मिस मत करना। इससे आपकी साइड चेस्ट लाइन बनती है और आपकी चेस्ट एक अच्छी शेप में दिखती है। इसे आप पार्क में भी कर सकते हो या फिर 2 चेयर की मदद से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर आप चेयर पर कर रहे हो तो आपकी चेयर मजबूत होनी चाहिए, वरना तो आपको इंजरी हो सकती है। और इस एक्सरसाइज को आपको करना जरूर है। इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको इसमें लेनी है। तो ये थी मंडे यानी चेस्ट की वर्कआउट। अब मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे यानी बैक की एक्सरसाइज। नंबर 1, पुलअप। इससे आपकी बैक चौड़ी होती है। पुलअप आपसे नहीं लग रही हैं, लेकिन उनको लगाएं जरूर, चाहे 1 लगाएं चाहे 2 लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। और इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन आपको इसमें लेनी है। और दूसरी एक्सरसाइज है हमारी बेंट ओवर रो। इसमें आपको 2 डंबल लेने हैं और इस तरह डंबल को नीचे और ऊपर लेकर आना है और फिर बैक को स्क्वीज करना है। इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपके इसमें लगेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, 1 आर डंबल रो। इसमें आप डंबल या ईंट या कोई भी भारी चीज हाथ में लेकर किसी बेंच या सोफे की सपोर्ट से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बैक अच्छी दिखने लगेगी। इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रैप लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, डंबल डेडलिफ्ट। इस एक्सरसाइज में डंबल आपको इस तरह लगाने हैं, और इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको इसमें लेने हैं, और 1 से 1.5 मिनट का हर सेट में आपको रेस्ट लेना है। और बैक के लिए 4 एक्सरसाइज ये काफ़ी हैं दोस्तों।
अब हम वेडनेसडे को करेंगे बाइसेप एंड कार्डियो की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, डंबल कर्ल। इसमें आप डंबल या आपके पास डंबल नहीं है तो ईंट से भी आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके भी हमने 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 2, हैमर कर्ल। इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर या बैठ कर भी कर सकते हैं और ये आउट ऑफ बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल स्ट्रेंथ कर्ल। ये भी हैमर कर्ल की तरह है लेकिन आपको इसमें डंबल चिपका कर रखने हैं और इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 4, रिवर्स कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको डंबल लेकर और अपनी कलाइयों को रोटेट कर लेना है, फिर उसके बाद ये सेट लगाना है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन आपको लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 5, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। इसमें आपको अपनी एल्बो अपनी थाई पर लगानी है और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लेनी है। तो गाइस, बाइसेप की वर्कआउट यहीं खत्म होती है। अब हम करेंगे कार्डियो। कार्डियो के लिए आप तुरंत ही घर से बाहर निकलकर 10 से 15 मिनट की रनिंग कर सकते हैं। इससे आप अपनी कार्डियो पूरी कर सकते हैं। तो गाइस, वेडनेसडे की भी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अब हम करेंगे थर्सडे की एक्सरसाइज, ट्राइसेप एंड एब्स। एक्सरसाइज नंबर 1, डायमंड पुशअप्स। आपको अपने हाथ डायमंड की शेप में बनाने हैं, फिर उसके बाद पुशअप्स लगानी है। इसके आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल स्कल क्रशर। इसमें आपको नीचे लेटकर पहले अपने हाथों को नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, सिंगल आर्म डंबल ओवर हेड एक्सटेंशन। इसमें आपको सिंगल हाथ से ओवर हेड एक्सटेंशन लगाने हैं। सिंपल आपको डंबल पीछे की तरफ ले जाना है, फिर वहीं से ऊपर की तरफ लाना है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में आपको 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 4, बेंच डिप्स। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखकर पुशअप्स लगाने हैं। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। और इसके बाद अब हम करेंगे एब्स की एक्सरसाइज। इसमें आपको सबसे पहले करना है क्रंचेस। इसमें आपको लेटकर अपने हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड करके चेस्ट को उठाना है। ये एब्स की बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 2, बाइसाइकिल क्रंचेस। इसमें भी आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ रखकर और सिंपल पैरों से साइकिल की तरह पैरों को चलाना है और इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको इसमें लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, प्लैंक। इसमें आपको बस अपनी एल्बो और पैर की सपोर्ट से होल्ड करके रखना है और कमर आपकी सीधी रहेगी, या ध्यान रखें वरना तो इंजरी हो सकती है। और इसी तरह आपको बस 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट पे 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट आपको लेना है। और एब्स की भी हमारी वर्कआउट यहीं खत्म होती है। अब हम करेंगे फ्राइडे यानी शोल्डर की वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, डंबल प्रेस न्यूट्रल ग्रिप। इसमें आपको डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़कर ऊपर से शोल्डर की तरफ लाना है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, शोल्डर प्रेस। इसको आप खड़े होकर या बैठकर भी लगा सकते हो। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल साइड राइज। इसमें आपको दोनों हाथों में डंबल रखकर हाथों को स्ट्रेट फ्लाई करना है और ये एक्सरसाइज साइड शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 4, आर्नोल्ड प्रेस। ये एक्सरसाइज पूरे शोल्डर के लिए अच्छी होती है। फ्रंट शोल्डर और साइड शोल्डर, मतलब कि पूरे शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 5, डंबल श्रग्स। ये एक्सरसाइज ट्रैप के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास भारी डंबल नहीं है तो आप किसी भी भारी चीज को उठाकर दोनों हाथों से ट्रैप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको लेनी है। और दोस्तों, शोल्डर के लिए इतनी ही एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे और सैटरडे यानी कि अब करेंगे हम लेग्स की वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, डंबल स्क्वैट्स। इसमें आपको दोनों हाथों में डंबल पकड़कर स्क्वैट्स लगाने हैं और दोनों लेग्स को शोल्डर के जितना ही खोलना है और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में आपको 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, लेग लंजेस। इसमें भी आपको दोनों हाथों में डंबल पकड़कर लेग लंजेस करना है और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल सुमो स्क्वैट्स। इसमें आपको इस तरह डंबल हाथ में पकड़कर स्क्वैट्स लगाने हैं और इसमें आपको अपने पैर वाइड ग्रिप में रखने हैं
और इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन आपको इसमें लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 स्प्लिट स्क्वाट्स। इसमें आपको अपने पैर को बेंच या चेयर पर रखना है और सिंगल लेग से अप एंड डाउन स्क्वाट्स लगानी है। दोनों पैरों से एक एक करके आपको ये करना है। इसके भी आपको 3 सेट लेने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 5 काफ राइज। इस एक्सरसाइज को आप सीढ़ी पर या किसी चीज पर रोक कर लगा सकते हैं। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है। तो दोस्तों लेग्स का भी वर्कआउट यहीं पर खत्म होता है और अब संडे का रखेंगे हम रेस्ट। तो दोस्तों अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर रहकर ही इन वर्कआउट प्लान को करना स्टार्ट कर दो और फिर देखना आपकी भी बॉडी बेहतर होती चली जाएगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं, वर्कआउट बस आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप देता है मगर मसल्स आपकी डाइट से ही बनेगी। तो आप एक अच्छी डाइट लें और आप डाइट घर पर ही लें तो ज्यादा अच्छा है, पर आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं या चिकन ले सकते हैं या फिर मार्केट में बहुत सी दालें अवेलेबल हैं। और 12 से लेकर 20 की एज का टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, तो आप अच्छा खाएं और वर्कआउट करें, आपकी बॉडी में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और अगर आप डाइट को अच्छी तरह फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको डाइट अच्छी तरह फॉलो करनी है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और एक काम मेरा ये कर दो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हेल्थ एंड टिप्स की वीडियोस मैं हमेशा डालता रहूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।